अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फिज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गौहर पब्लिशर में आप सबको खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गौहर ग्रेस उर्दू प्ले ग्रुप 3+। तो अब हम मिलने जा रहे हैं दाल के ख़ानदान के एक और फर्द को, और वो है डाल। डाल ड, डाल ड। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ हदायत मौजूद हैं जो कि उस्ताज़ा के लिए हैं। वो देखते हैं वो क्या हदायत हैं। हदायत नंबर 1 पे हमारे पास मौजूद है, बच्चों को उर्दू हरूफ ताजी के हर्फ डाल और इससे शुरू होने वाले अल्फाज तस्वीरों की मदद से बोलकर सुनाएं। बच्चों को बताएं कि डाल की आवाज़ क्या है। डाल की आवाज़ है डाल ड, डाल ड, ड, ड। बच्चों को बताएं कि डाल का तलफ़ुज़ डाल है। बच्चों को हर्फ डाल उंगली से हवा में लिख के दिखाएं। उंगली से बच्चों को हवा में आप कैसे लिख के दिखाएंगे? बच्चों की तरफ अपनी कमर करके और इसको बताएंगे डाल ड, डाल ड, और डा के ऊपर एक आएगी छोटे सी तोएं जो के है दाल की दोस्त। डाल ड, डाल ड। बच्चों को बताएं कि डायनासोर जानवर अब से बहुत साल पहले ज़मीन पर पाए जाते थे, अब इनका वजूद ख़त्म हो गया है। जी, अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। जी बच्चों, तो अब यहाँ पे हमारे पास मौजूद है दाल के ख़ानदान का एक और फर्द जो कि है डाल, और डाल के दोस्त मौजूद हैं हमारे पास यहाँ पे सफ़ा नंबर 30 पे, और वो देखते हैं कि ये कौन से दोस्त हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है ड्राम। डाल ड, ड्रम ड, ड, ड्रम ड, ड, ड्रम ड, ड, ड्रम। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है डायनासोर। डाल ड, डायनासोर। ये भी किसका दोस्त है? डाल का दोस्त है। आपको पता है, यह आज से बहुत साल पहले, बहुत हज़ारों साल पहले डायनासोर होते थे। इतने बड़े होते थे, कुछ उड़ने वाले डायनासोर होते थे, कुछ छोटे होते थे, कुछ बड़े होते थे, और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। इनको तो देख के डर लगता है, ऐसे ही है ना, अच्छे भी लगते हैं लेकिन देख के डर लगता है। लेकिन ये वाला डायनासोर तो बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन जो असल में डायनासोर होते थे बहुत साल पहले, वो इतने प्यारे नहीं होते थे, वो तो बहुत बड़े होते थे ना, ऐसे ही है ना। और आपको पता है, अभी डायनासोर की फैमिली में हमारे पास एक चीज़ मौजूद है, दो चीज़ मौजूद है मेरा ख्याल है। हाँ जी, एक है छिपकली और एक है मगरमच्छ। देखा है ना आपने, मगरमच्छ का चेहरा भी जो है वो भी डायनासोर से मिलता जुलता, तो इनकी फैमिली में से है। जैसे आपका चेहरा भी कभी दादों से भी मिलता है, या मामा से मिलता है, या बाबा से मिलता है, वो हमारे फैमिली में होते हैं ना, हमारे ख़ानदान में। इसी तरह डायनासोर के ख़ानदान में जो है अभी मौजूद हमारे पास है मगरमच्छ और छिपकली, क्योंकि डायनासोर तो बहुत साल पहले थे, अब मौजूद नहीं है। जी, तो आगे हम बढ़ते हैं एक और दोस्त की तरफ डाल के, जो के है डाकिया। डाकिया मैंने अभी आपको बताया था जब कि जो खत है खे ख खत, खत, वो खत जब हम किसी को लिखकर भेजते हैं तो वो कैसे जाता है खत? वो खत जाता है डाकिया की मदद से। जब हम खत लिख देते हैं तब हम खत किसको दे देते हैं? डाकिया को दे देते हैं। और वो डाकिया जिस एड्रेस पे, जिस पते पे आप लोग भेजते हो वो खत खे का दोस्त, उस पे डाल ड, डाकिया उसको जाके दे आता है और वो खत उसको मिल जाता है। तो वो कौन दे के आता है खत? डाकिया दे कर आता है। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं तीन दोस्त डाल के। डाल ड, ड्रम ड, ड, ड्रम डाल ड, डायनासोर ड, ड, डायनासोर डाल ड, डाकिया ड, ड, डाकिया। जी, तो बच्चों कैसा लगा आपको डाल के दोस्तों से मिलके? मुझे तो बहुत खुशी हुई, उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत खुशी होगी डाल के दोस्तों से मिलके। किसी बड़े की रहनुमाई से इस सफ़े को दोहराते रहें, डाल के दोस्तों के बारे में दोहराई करते रहें, ताकि आप लोग की रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।